अगर मैं स्ट्रेट होता तो मैं उससे शादी कर लेता लाइक दैट यू नो. एंड आई थिंक शी इज़ वेरी क्यूट डे वन से, यू नो, उतनी वो क्यूट है और मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं वो. और बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे को दिल में छूते हैं. तो आई थिंक शहनाज की तो इनोसेंस है जैसी वो है, आई थिंक दैट्स हर ब्यूटी. सुधा शादी कभी नहीं करेगा शहनाज, जहाँ तक मेरे को पता है. आई डोंट कमेंट ऑन दैट. See, it's like I said, you never know what is happening inside. आप हम एक घंटा देख रहे हैं, बाकी के 23 घंटे क्या हो रहा है, we don't know. So it's very difficult to say कि what is happening. It may be a frustration, it may be something that I have had enough of you. And we all have this kind of behavior. There's nothing different. अगर आपको चांस मिले तो आप जाना चाहेंगे? मुझे बोलते हैं कि सर आप आ जाओ, but I think I might be good for all this, but I know I will be very bad outside, you know. Because I know I can't take all this. I am also very short-tempered, like, you know, I can't take all this. I don't like cameras on my head. When I'm waking up, main bathroom ja raha hu to camera follow kar raha hai, main chai peene ja raha hu to camera follow kar raha hai. I'm not used to that, so mujhe irritate hota hai. Unko content milega par meri image bahar, I don't know kaise hai. My favorite Shehnaaz hai and I love Shehnaaz. I also love Aasim, he's doing very well. रश्मि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, माई बेस्ट फ्रेंड रश्मि इज, तो मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ. एंड ऑब्वियसली सिद्धार्थ इज देयर, मेरे फोर फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं. लेकिन सिद्धार्थ और रश्मि की जो फाइट हुई थी उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी आई विल बी आई वाज दोनों पहले से, क्योंकि रश्मि आपके उस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा. इट्स समथिंग वेरी वेरी पर्सनल यू आस्किंग मी ओवर हियर ऑन दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. बट द थिंग इज जस्ट दैट एवरीबॉडी, बिग बॉस का मैं पार्ट रह चुका हूँ. आई नो इट्स अ वेरी टफ शो एंड लाइक इट्स, आप सिर्फ 45 मिनट देखते हैं, हम वहाँ पे 24 घंटे रहते हैं, तो मेरे को पता है फॉर्मेट क्या है शो का. और ऑब्वियसली जहाँ 10 लोग होंगे वहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस होंगे. लेकिन आसिम की जो टफ कंपटीशन दे रहे सिद्धार्थ को, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एवरीबॉडी इज गिविंग कंपटीशन ईच अदर, सब वहाँ पे जीतने के लिए गए हैं, कोई वहाँ पे दोस्ती बनाने तो गया नहीं है. तो आई थिंक मे द बेस्ट पर्सन विन द शो. अगर मैं स्ट्रेट होता तो मैं उससे शादी कर लेता लाइक दैट, यू नो. एंड आई थिंक शी इज वेरी क्यूट डे वन से, यू नो, उतनी वो क्यूट है और मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं वो. और बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे को दिल में छूते हैं. तो आई थिंक शहनाज की तो इनोसेंस है जैसी वो है, आई थिंक दैट्स हर ब्यूटी. तो आपकी फैशन शो सुधा शादी कभी नहीं करेगा शहनाज, जहाँ तक मेरे को पता है. आई डोंट कमेंट ऑन दैट. मैं सब में 60-70% लोगों को जानता हूँ और कईयों के साथ मैंने काम भी किया हुआ है. एंड आई फील मेरे कोई फेवरेट एक नहीं है, बट मुझे लगता है कि शहनाज, आसिम, सिद्धार्थ, आई फील कि इनमें से कोई एक विनर होगा. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट अब वो बिग बॉस जाने और सलमान खान. सभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं. ये पहला सीज़न है जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है. एंड आई थिंक ये मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि जितनी भी हम लोगों से बात कर रहे हैं सबके एक फ़ैन बेस बन गया है ट्विटर पे, उस पर. सो दिस इज़ द फर्स्ट सीज़न वेयर ऑल ऑफ देम हैव अ स्प्लेंडिड बैकिंग फ्रॉम द ऑडियंस, एंड ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है. सो आई फील इट्स एनीवन्स गेम, बट जो मेरे तीन मुझे लगता है जो टॉप थ्री में होंगे मेरे, वो मुझे लगता है कि वो तीन होंगे. हाँ, आई मीन इट्स अ शो, 3 महीने लाइफ के मैं दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. एंड आई फील इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. थोड़ा सा मुझे अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी बीवी बताएगी तो बेहतर है. ये मेरी बीवी के अंदर का गुस्सा था. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी ग्लैड कि ना सिद्धार्थ जैसा आता है ना आसिम जैसा आता है, बिकॉज जैसे वो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ घर में और बाकियों के साथ बिहेव कर रहे हैं, इट इज़ नॉट रियली अ वे एनी वन शुड बिहेव विद एनी वन. सो ऑनेस्टली आई एम ग्लैड दैट माई हस्बैंड, इवन दो ही इज़ अ वेरी एंग्री टेम्परमेंटल काइंड ऑफ पर्सन एंड गुस्सा इनको भी बहुत आता है, बट आई एम ग्लैड दैट ही चूजेज अ वेरी गुड वे टू यू नो एक्सप्रेस इट एंड नॉट हर्ट और हार्म एनी वन.
सिद्धार्थ और रश्मि की जो बिजनेस को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? यू नो व्हाट, ऑनेस्टली स्पीकिंग अमंगस्ट एवरीवन, मुझे वो दोनों ना मुझे उन दोनों को देखकर ज़्यादा मज़ा आता है. आई डोंट नो वाई. आई मीन आई नो दी ऑडियंस हैव अ प्रेफरेंस ओवर सिद्धार्थ एंड शहनाज, बट ऑनेस्टली फॉर मी आई फाइंड लिटिल फेकनेस इन देयर केमिस्ट्री. जबकि मुझे सिद्धार्थ एंड रश्मि बहुत ज़्यादा रॉ और जेन्युइन लगते हैं. तो उनकी जो क्लैशिंग है, उनकी जो लड़ाई है, वो समझ में आती है कि भाई है, वो लोग नाटक नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट अटेंशन और दे वॉन्ट फुटेज. सो वो बहुत ज़्यादा ट्रू लगता है इन कंपैरिजन टू अदर्स विच आई फाइंड. बेसिकली मज़ा आ रहा है सबको देख के एंड आई फील शायद एक्सटेंड होने वाला है, मैंने सुना. कैंसिल हो गया? ओके. शहनाज आपकी फेवरेट है कुछ? अब ये बता रहे हैं तो होगी. मुझे ये लगता है एज अ कंटेस्टेंट शी इज प्लेइंग अ गेम वेरी वेल. वो सारे दोनों ग्रुप्स में अच्छा है एंड आई फील वो जो भी है आई थिंक इट्स अ गेम और एंटरटेनिंग है. मतलब मेरा एंड ऑफ द डे में कोई लगता है मैं एक डेढ़ घंटा जब मैं देख रहा हूँ वो शो तो मुझे एंटरटेन होना है और मुझे कोई उसमें डॉकी ड्रामा नहीं देखना, मुझे एंटरटेन होना है. आप लड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, हंस रहे हो, हंसा रहे हो, इट्स अ एंटरटेनमेंट शो एंड ऑफ द डे. एंड जो भी किरदार वो निभा पाएगा आई फील वो फेवरेट्स में आ जाता है. एंड ये मैं ही नहीं कह रहा, वो तो सलमान सर का भी आपको लगता होगा थोड़ा सा कि सलमान सर इज डूइंग हिज जॉब. इट्स नॉट हिज फॉल्ट. वो जो क्रिएटिव, इट्स नॉट हिज फॉल्ट. आई मतलब वो किरदार निभा रहे हैं, उनको जो दिया जाएगा. एग्जैक्टली जो पारस ने लास्ट दो तीन एपिसोड्स में बोला था, विच इज़ आई थिंक इट्स अ फैक्ट ऑफ रियलिटी, कि इट्स नॉट सलमान's फॉल्ट एट ऑल, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज़ बीइंग फेड, ही इज़ डूइंग हिज जॉब, ही इज़ डूइंग हिज जॉब. एंड उनकी जगह कोई भी होगा तो वो करेगा. आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक जो भी है दिख रहा है सबको और हमसे ज़्यादा आप लोग को पता है और हम तो नॉर्मल ऑडियंस हैं, आप लोग हैं मीडिया, आपको पता है ज़्यादा. This year I'm not watching. I watch it every year, but this year I haven't got the time only, so I'm not watching. Rashmi और विशाल दोनों ही हैं. दोस्त तो सारे हैं, पर I don't know अंदर क्या चल रहा है, क्या पता ही नहीं है क्या. पता नहीं क्या हो रहा है. मतलब विशाल तो है ही धमाल पूरा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा.